नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 जुलाई दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार डीजल अनुदान ऑनलाइन आवेदन शुरू। जमीन के दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध कराने को कानून में होगा संशोधन। नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला 2023 में पाए रोजगार। आधार कार्ड से जुड़ा ये 10 जरूरी काम करे घर बैठे। WI में डेब्यू के बाद मां से फोन पर बात करके भावुक हुए मुकेश कुमार। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। IBPS क्लर्क भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ी। IBPS क्लर्क भर्ती 2024-25 के लिए आवेदन करने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान ने IBPS क्लर्क भर्ती के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक कैंडिडेट्स अब 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि पहले इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 जुलाई 2023 तक थी। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार IBPS की आधिकारिक वेबसाइट IBPS.in पर जाकर समय सीमा के अंदर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो IBPS क्लर्क परीक्षा के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए। वहीं इस भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जारी किए गए नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। बिहार डीजल अनुदान ऑनलाइन आवेदन शुरू। कृषि विभाग बिहार सरकार की ओर से बिहार डीजल अनुदान ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित है। बता दें कि इस योजना का लाभ पंजीकृत सभी किसान, रैयत और गैर रैयत सभी तरह के किसानों को मिलेगा। बता दें कि इस योजना के तहत डीजल पंप सेट से सिंचाई के लिए 75 रुपए प्रति लीटर की दर से सभी किसानों को अनुदान दिया जाएगा। एक एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता के आलोक में खरीफ फसलों की डीजल पंप सेट से सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल पर प्रति एकड़ प्रति सिंचाई 750 रुपए की दर से अनुदान दिया जाएगा। बिचरा में 2 सिंचाई के लिए अधिकतम 1500 रुपए प्रति एकड़, खड़े धान में 3 सिंचाई के लिए अधिकतम 2250 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए अनुदान दिया जाना है। मालूम हो कि लाभ परिवार के एक ही सदस्य को दिया जाएगा। राज्य के बिहार अवस्थित पेट्रोल पंप से क्रय किए गए डीजल पर अनुदान देय नहीं होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अखिलेंद्र मिश्रा के बारे में। अखिलेंद्र मिश्रा एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन चरित्र अभिनेता हैं, जिन्हें 1990 के दशक की दूरदर्शन टेलीविजन श्रृंखला चंद्रकांता में क्रूर सिंह की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने अकादमी पुरस्कार नामांकित फिल्म लगान में अर्जुन का किरदार भी निभाया। उन्होंने 2008 में हिंदू महाकाव्य रामायण के टेलीविजन रूपांतरण में राक्षस राजा रावण की भूमिका निभाई। उन्हें पहली बार कविता चौधरी द्वारा लिखित और निर्देशित उड़ान में देखा गया था, जिसमें उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। अखिलेंद्र मिश्रा की पहली फिल्म 1993 में धारावी थी, जो सुधीर मिश्रा द्वारा लिखित निर्देशित थी, जिसने 1993 में हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। जमीन के दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध कराने को कानून में होगा संशोधन। राज्य में पहली बार जमीन का दस्तावेज, नक्शा, खातियान, रजिस्टर 1 या 2 की नकल ऑनलाइन निकालने की सुविधा बहाल की जाएगी। इसके लिए वर्तमान के कानून में संशोधन किया जाएगा। मालूम हो कि इससे संबंधित सॉफ्टवेयर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा तैयार कर लिया गया है। वहीं कानून में संशोधन करने को लेकर विभाग की ओर से बिहार राज्य राजस्व परिषद को पत्र लिखा गया है। बता दें कि परिषद के स्तर से संशोधन होने के बाद इस व्यवस्था को शुरू कर दिया जाएगा। मालूम हो कि ऑनलाइन तरीके से मिलने वाले जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज की कॉपी कानूनी या सरकारी कार्यों में पूरी तरह से मान्य होगी। इस सुविधा को जल्द ही लोगों के लिए शुरू किया जाएगा। प्रावधान में बदलाव होते ही यह व्यवस्था बहाल हो जाएगी। BBOSE ने 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए जारी किया एडमिट कार्ड। BBOSE यानी कि बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन के द्वारा 10वीं बोर्ड परीक्षा दिसंबर 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसे संबंधित अध्ययन केंद्र के कोऑर्डिनेटर बिहार बोर्ड की वेबसाइट http://sensitive.biharboardonline.com पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन के प्रैक्टिकल की परीक्षा की शुरुआत 31 जुलाई 2023 से होगी, जो कि 2 अगस्त 2023 तक चलेगी। वहीं थ्योरी पेपर की शुरुआत 4 अगस्त 2023 से होगी और 12 अगस्त 2023 तक चलेगी। ऐसे में सभी छात्रों को प्रैक्टिकल परीक्षा से पहले मुहर और हस्ताक्षर युक्त प्रवेश पत्र उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। वहीं एडमिट कार्ड को लेने के लिए छात्रों को किसी प्रकार की कोई शुल्क
शुल्क अदा नहीं करनी होगी। बता दें कि अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई परेशानी आती है तो जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 0612223274 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन करेगा रणजी ट्रॉफी की मेजबानी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्य प्रवक्ता संजीव कुमार मिश्र के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी गई है कि बीसीसीआई की ओर से उन्हें विभिन्न आयु वर्गों के कुल 11 मैचों की मेजबानी की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि सबसे खुशी की बात है कि बीसीसीआई द्वारा 2023-24 में बिहार को एलिट ग्रुप के रणजी ट्रॉफी के कुल 4 मैच दिए गए। उन्होंने बताया कि यह आयोजन बिहार की राजधानी पटना में स्थित मोइनुल हक स्टेडियम में किया जाएगा। एलिट ग्रुप में मेजबान बिहार के अलावा मुंबई, केरला और आंध्र प्रदेश की टीम शामिल है। संजीव कुमार मिश्र के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सबसे पहला मुकाबला बिहार और मुंबई के बीच खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव, अजिंक्य रहाणे और पृथ्वी शॉ ऐसे क्रिकेटर भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि ये सभी खिलाड़ी मुंबई की टीम में शामिल हैं। वहीं केरला की टीम में संजू सैमसन शामिल है और आंध्र प्रदेश की टीम में रिंकी भुई, के एस भरत, जी एस बिहारी, ललित मोहन और अनंत सिंधे शामिल हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का ऐसे ले लाभ। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत सभी आय वर्ग के वृद्धजनों को पेंशन राशि प्रदान की जाती है। बता दें कि इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वृद्धजनों को 400 रुपए प्रति माह तो वहीं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वृद्धजनों को 500 रुपए प्रति माह पेंशन राशि के रूप में दिए जाते हैं। हालांकि इस पेंशन को पाने के लिए सरकार की ओर से कुछ अर्हता एवं शर्त निर्धारित की गई है, जिसके तहत वैसे वृद्धजन जो केंद्र राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करते हैं उन्हें इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे में अगर आप इस अर्हता और शर्त को पास करते हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको विहित प्रपत्र में 2 प्रतियों में आवेदन प्रखंड के RTPS काउंटर पर जमा करना होगा। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप https://sspmis.bihar.gov.in/check-mbpy-aadhar-auth वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क कर सकते हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए 3 फेज में होगा काम। अपने शहर से हवाई उड़ान की पूर्णिया वासियों की चिरलंबित मांग अब बहुत जल्द ही पूरी होने वाली है क्योंकि अब पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण के आसार नजर आने लगे हैं। बता दें कि सरकार के निर्देश पर एयरपोर्ट के प्रस्तावित स्थल पर बिजली कंपनी के द्वारा अपनी तैयारी शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि इसके लिए रेल पोल को लेकर एस्टीमेट बना लिया गया है। बिजली कंपनी की ओर से यहां अलग अलग 3 चरणों में काम किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार चिनापुर एयरफोर्स स्टेशन पर 33 केवी लाइन के लिए 400 रेल पोल को लगाने के लिए 7,30,00,000 रुपए का एस्टीमेट कंपनी की ओर से दिया गया है। मालूम हो कि यह पूरी योजना 14.5 किलोमीटर की है जिस पर बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए डिजाइन व DPR के लिए सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे आनंद बाग पैलेस के बारे में। दरभंगा एक ऐसा शहर है जो कई पर्यटक स्थलों से भरा हुआ है और आनंद बाग पैलेस उनमें से एक है। यह पसंदीदा पर्यटन स्थल शहर के प्रतिष्ठित स्मारक के रूप में विख्यात है। आनंद बाग पैलेस लक्ष्मी विलास पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। आनंद बाग पैलेस का निर्माण 1880 के दशक में महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह के शासनकाल के दौरान किया गया था और 1934 के नेपाल बिहार भूकंप के दौरान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया। महल दीवारों पर शानदार स्थापत्य कला के साथ मिथिला संस्कृति को दर्शाता है। महल की भीतरी और बाहरी संरचना आकर्षक है। आनंद बाग पैलेस ने कई पर्यटकों को ध्यान खींचा है और निश्चित रूप से दरभंगा का एक दर्शनीय स्थल है। नवादा में हुआ साइबर क्राइम का भंडाफोड़। बिहार में इन दिनों साइबर क्राइम बढ़ने लगे हैं, हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए पुलिस के द्वारा जी तोड़ कोशिश की जा रही है। बता दें कि इसी कड़ी में नवादा पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। दरअसल नवादा SP अम्बरीश राहुल के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार SIT टीम द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में साक्ष्य के अनुसार छापेमारी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान हृदय कुमार और राजा कुमार के रूप में की गई है। बता दें कि छापेमारी के दौरान पुलिस को इनके पास से लैपटॉप एवं चार्जर, सोने जैसे दिखने वाली चैन एवं अंगूठी, 4 मोबाइल, 80 सील, 1 कंप्यूटर माउस, ग्लू ग्लू गन, इसका रिफिल, फिंगरप्रिंट स्कैनर, जमीन रजिस्ट्री से जुड़े कई स्टाम्प, दूसरों के आधार, पैन एवं वोटर ID की छाया प्रति जिनकी संख्या 29 है, MSEAL से बनाए गए फिंगरप्रिंट के सांचे एवं फिंगरप्रिंट के कुल 512 नमूने सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। जल संसाधन मंत्री ने कटिहार में बाढ़ निरोधी कार्य का लिया जायजा।
बिहार में मॉनसून दस्तक दे चुका है। ऐसे में सरकार की ओर से भी संभावित बाढ़ की स्थिति को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसी को लेकर बीते दिन बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने मनिहारी अनुमंडल के गांधी टोला में लगभग 40 करोड़ की राशि से चल रहे बाढ़ निरोधी कार्य का दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने कटाव निरोधी कार्य गुणवत्तापूर्ण होने का दावा किया और इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ के पानी का जलस्तर घटते ही इस इलाके में और तेजी से काम करवाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा कटाव पीड़ितों के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। बताते चले कि इस बाढ़ निरोधी कार्य के पूरे हो जाने के बाद इलाके के कई गांव बाढ़ के पानी में डूबने से बच सकते हैं। नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 2023 में पाए रोजगार। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण की ओर से नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 2023 का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य के सभी जिलों के तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले आवेदकों के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। बता दें कि मुंगेर के किला परिसर के पोलो मैदान में प्रमंडलीय स्तर पर 24 और 25 जुलाई को दो दिवसीय, गया के DRCC परिसर केंदुई में 28 और 29 जुलाई को दो दिवसीय, अरवल के गांधी मैदान में 31 जुलाई को एक दिवसीय, नवादा के सरकारी ITI कैंपस में 2 अगस्त को एक दिवसीय, शेखपुरा के अभ्यास मध्य विद्यालय में 3 अगस्त को एक दिवसीय, जमुई के श्रीकृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडियम परिसर में 4 अगस्त को एक दिवसीय, औरंगाबाद के अनुग्रह इंटर विद्यालय में 7 अगस्त को एक दिवसीय और रोहतास के डालमिया नगर के संयुक्त श्रम भवन कैंपस में 9 अगस्त को एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इसमें भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को NCS के पोर्टल www.ncs.gov.in पर निबंधन कराना होगा। मालूम हो कि रोजगार मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। आधार कार्ड से जुड़ा ये 10 जरूरी काम करें घर बैठे। आधार कार्ड उन जरूरी कागजातों में से एक है, जिनका इस्तेमाल कर हम कई जरूरी योजनाओं का लाभ लेते हैं और साथ ही कई जरूरी कामों को भी पूरा करते हैं। ऐसे में अब आधार को अपडेट रखना जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आधार कार्ड के ऐसे 10 काम हैं जो आप घर बैठे आसानी से UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं। इन 10 कामों में आप आधार में किए गए किसी भी अपडेट परिवर्तन की स्थिति जांच सकते हैं। इसमें आधार सेवा केंद्र में किए गए परिवर्तन अपडेट भी शामिल है। आप अपने आधार में किए गए अपडेट का विवरण भी देख सकते हैं। यूजर्स आधार PVC कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। निकटतम आधार सेवा केंद्र का पता लगा सकते हैं। आधार सेवा केंद्र के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपने आधार कार्ड की वैधता जांच सकते हैं। अपने आधार कार्ड या इससे अधिक के दुरुपयोग से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं और एम आधार वेबसाइट से अपना ई आधार डाउनलोड कर सकते हैं। स्पीडी ट्रायल से 6 महीने में 4000 अभियुक्तों को दिलाई गई सजा। ADG जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा संवाददाता सम्मेलन में स्पीडी ट्रायल को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि राज्य में इस वर्ष यानी कि पिछले 6 महीना में स्पीडी ट्रायल के तहत बिहार पुलिस के द्वारा कुल 2098 कांडों में 4114 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है, जिनमें से 2 अभियुक्तों को फांसी की सजा दी गई है तो वहीं 480 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तो 379 अभियुक्तों को 10 वर्ष या इससे अधिक कैद की सजा दिलाई गई है। उन्होंने बताया कि आर्म्स एक्ट में 197 कांड में 241 को सजा दिलाई, हत्या के 204 मामलों में 489, डकैती की 6 घटनाओं में 6, लूट की 34 घटनाओं में 48 को सजा दिलाई गई, जबकि अपहरण की 24 घटनाओं में 21, बलात्कार की 143 घटनाओं में 174, पॉक्सो अधिनियम के 397 मामलों में 485 अपराधियों को सजा दिलाई गई है। प्रदेश के उत्तर के जिलों में बारिश और वज्रपात के आसार। बिहार में मौसम का मिजाज बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में अब लोगों को तेज गर्मी और उमस से परेशानी का सामना करना पड़ रहा। प्रदेश में बारिश नहीं होने से किसानों के साथ ही आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल मानसून ट्रफ लाइन रेखा बिहार के आसपास नहीं है। सूबे के किसी भी हिस्से में मानसून ट्रफ लाइन नहीं गुजर रही, साथ ही कोई भी स्थानीय सिस्टम भी विशेष रूप से प्रभावी नहीं है, जिसके कारण प्रदेश में बारिश की समस्या उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग की तरफ जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के उत्तर भागों के जिलों के एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। विभाग ने इसी तरह के अपडेट 23 जुलाई और 24 जुलाई को लेकर अपडेट किया है। हालांकि मौसम विभाग के अपडेट में बदलाव की भी पूरी संभावना है। बिहार बोर्ड मेडिकल व इंजीनियरिंग के साथ मुफ्त में कराएगा योगा क्लास। बिहार बोर्ड की ओर से मुफ्त में मेडिकल और इंजीनियरिंग की मुफ्त में तैयारी करवाई जा रही है। इसी कड़ी में अब इन बच्चों को योगा की शिक्षा भी मुफ्त में दी जाएगी, ताकि ये बच्चे शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके। इसके लिए बोर्ड की ओर से 27 जुलाई तक छात्रों के लिए पूर्व शारीरिक प्रशिक्षक व छात्राओं के लिए महिला शारीरिक प्रशिक्षक के आवेदन मांगे गए हैं। ऐसे में इच्छुक शारीरिक प्रशिक्षक आवेदक समिति के ईमेल computer CELLBSEB@gmail.com पर
पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद आवेदन करने वाले शारीरिक प्रशिक्षक का 31 जुलाई को इंटरव्यू किया जाएगा और उसके आधार पर ही उनका चयन किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि योगा का क्लास सप्ताह में 6 दिन सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक चलेगी। वहीं इसके लिए शिक्षकों को मानदेय के रूप में 12,000 रुपए दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने बिहार के 445 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। बीते दिन पुराने सचिवालय पटना के अधिवेशन हॉल में रोजगार मेला के तहत केंद्र सरकार की ओर से बिहार के 445 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। बता दें कि ये सभी अभ्यर्थी वे हैं जिनका चयन सरकारी नौकरी के लिए किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस के द्वारा करीब 60 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन हुए इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा, विधायक कुमार सिन्हा और जिला के विधायक संजीव चौरसिया शामिल थे। वहीं चयनित अभ्यर्थियों को केंद्रीय मंत्री की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी गईं। बिहार में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से नीचे। मई 2022 में हुए SRS यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि बिहार में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से नीचे है। बता दें कि वर्ष 2015 में प्रति 1000 जीवित जन्म में शिशु की मौत की संख्या 42 थी। इसके बाद इसमें निरंतर कमी आई है। वहीं साल 2016 में यह आंकड़ा घटकर 38 पर आया तो 2017 में यह संख्या घटकर 35 पर पहुंच पाया। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ष 2018 की तो 2018 में यह संख्या घटकर 32, 2019 में 29 और वर्ष 2020 में घटकर 27 पर आ गया। बता दें कि जब वर्ष 2020 में बिहार में शिशु मृत्यु का आंकड़ा 27 पहुंचा था उस दौरान राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 28 थी। इस तरह बिहार इस मामले में राष्ट्रीय औसत से नीचे आ गया। हाजीपुर से चुनाव लड़ने को लेकर पशुपति पारस ने कहा ये। बीते दिन केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के द्वारा बीते दिन बिहार की राजधानी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बातचीत करते हुए हाजीपुर से चुनाव लड़ने को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया गया। उन्होंने कहा कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा हूँ हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा, जिनको मैदान में आना है आ जाए। बिहार के लोगों को गलत फहमी हुई, चिराग और पारस को गले मिलते आपने देखा है, वो रिश्ता अलग है, राजनीति का रिश्ता अलग है। चिराग पासवान अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, लेकिन हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा, इससे मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं जब तक राजनीति में जिंदा हाजीपुर की जनता की सेवा करता रहूंगा और NDA गठबंधन का ही पार्ट रहूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने चिराग लड़े या कोई और, मैं लड़ूंगा ही। मैं NDA गठबंधन का उम्मीदवार हूँ, मैं NDA गठबंधन से ही चुनाव लड़ूंगा, जिनको मैदान में आना है आ जाए। नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश सिंह का बयान। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अब इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए सब कुछ साफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी संभावित है, लेकिन उसकी तारीख तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार कब करना है इसका निर्णय मुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन हाँ ये तय हो गया है कि कांग्रेस कोटे से और राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से जो रिक्त पद है उनको भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद से दोनों से दो दो मंत्री का कोटा खाली है तो उन्हें पदों को भरा जाएगा, लेकिन सब कुछ मुख्यमंत्री पर निर्भर है। यह उनका विशेषाधिकार है कि वह किसे मंत्री बनाएंगे, अभी तक किसी का नाम तय नहीं हुआ है और हम अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। लाठीचार्ज मामले पर नीतीश तेजस्वी समेत कई अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज। बीते 13 जुलाई को बीजेपी की ओर से निकाले गए विधानसभा मार्च में पटना पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई, जिसमें कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए थे। वहीं अब इस मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, DM चंद्रशेखर समेत कई अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बता दें कि इस मामले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष लाजवंती झा समेत करीब दर्जन भर लोगों के द्वारा पटना सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया। इन सभी का आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी CM तेजस्वी यादव, पटना के DM चंद्रशेखर और अन्य अभियुक्तों के कहने पर पुलिस ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया और उनकी पिटाई की गई। उनका कहना है कि उनके ऊपर साजिश के तहत लाठी चार्ज कराया गया और बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई। WI में डेब्यू के बाद मां से फोन पर बात करके भावुक हुए मुकेश कुमार। बिहार के लाल और टीम इंडिया के एक युवा गेंदबाज मुकेश कुमार ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। वहीं अब BCCI की ओर से दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन अपने ट्विटर हैंडल BCCI ट्विटर हैंडल पर मुकेश कुमार का एक वीडियो शेयर किया गया है और कैप्शन देते हुए लिखा गया है कि कोई सपना छोटा नहीं होता। बता दें कि 1.5 मिनट के लंबे वीडियो में मुकेश कुमार अपने टेस्ट डेब्यू के बाद अपनी मां से फोन पर बात कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत मुकेश के दरवाजा खुलने से हो रही,
इसके बाद मुकेश ने कहा कि आज मुझे डेब्यू कैप मिली 308 जो अश्विन भाई ने दी। यह मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी दिन था। इतने सालों की मेहनत मुझे आज जाकर उसका फल मिला। मुकेश ने अपनी माता को फोन किया और कहा कि इतने साल जो पूजा पाठ आप कर रही थी आज वो रंग लाई है। आज मैंने देश के लिए खेला, जिस पर माँ ने जवाब दिया कि मैं आगे बढ़ते रहूं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इसके बाद मुकेश कुमार ने बताया कि उनकी माँ को नहीं मालूम कि वह इंडिया के लिए खेलना क्या है, उन्हें बस यह मालूम है कि मेरा बेटा आगे बढ़ता रहे। मुकेश ने कहा मेरे लिए यह पल काफी खास है, वह मुझे अपने कलेजे का टुकड़ा बना के रखती है। मैं अपने एहसास को बयान नहीं कर सकता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। खुशी से मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। भारत इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। सरहिंद में सिकंदर सूरी को हराकर मुगल शासक हुमायूं 23 जुलाई 1555 में दिल्ली पहुंचा। भारत में नियमित रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में मुंबई से हुई। गणितज्ञ दार्शनिक और उग्र राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार ताराशंकर बंदोपाध्याय का जन्म 23 जुलाई 1898 को हुआ था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। हिंदी फिल्म निर्माता निर्देशक अभिनेता और गायक हिमेश रेशमिया का जन्म 23 जुलाई 1973 को हुआ था। भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक महमूद का निधन 23 जुलाई 1932 को हुआ था। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक लक्ष्मण प्रसाद दुबे का निधन 23 जुलाई 1993 को हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका लक्ष्मी सहगल का निधन 2012 को हुआ था। प्रसिद्ध चित्रकार SH रजा का निधन 2016 को हुआ था। आज के दिन को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। वेलकम, आज हम बात करेंगे टेलीग्राम चैनल के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे टेलीग्राम चैनल के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कई टेलीग्राम चैनल अधिकारी PIB फैक्ट चेक टेलीग्राम चैनल का प्रतिरूपण कर रहे हैं। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि टेलीग्राम चैनल फर्जी है। सटीक अपडेट और तथ्य जांच के लिए हमारे आधिकारिक टेलीग्राम चैनल http://t.me/PIB-factcheck पर जाएं। साइबर जालसाजों से बचने के लिए इन सुझावों का रखें ध्यान। अगर आप भी व्हाट्सएप पर साइबर जालसाजों से बचना चाहते हैं तो कुछ सुझावों को अपने ध्यान में रखें, जिनमें अनजान नंबरों से आए मैसेज कॉल्स को जवाब न दें तथा अनजान नंबरों के द्वारा आए लिंक्स पर क्लिक न करें। अपनी व्हाट्सएप DP को फॉर एवरीवन विजिबल न रखें ताकि अनजान लोगों से आपकी प्रोफाइल सुरक्षित रहे। 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड रखें। इस फीचर से आपके अकाउंट में डबल लॉक सेट हो जाता है। व्हाट्सएप के माध्यम से बैंक डिटेल शेयर न करें। बता दें कि साइबर धोखाधड़ी से संबंधित किसी भी शिकायत को करने के लिए अपने नजदीकी साइबर थाने से संपर्क करें या साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। मालूम हो कि जानकारी बिहार सरकार के गृह विभाग के आर्थिक अपराध इकाई पटना के द्वारा शेयर की गई है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर दें। हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन डी केंद्रीय सूचना आयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नीति आयोग। अगला सवाल, अभी हाल में ही IIT रुड़की ने किसे खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए अरुण कुमार शुक्ला, ऑप्शन बी प्रोफेसर AK चतुर्वेदी, ऑप्शन सी प्रोफेसर हार्टमर्ट मिसेल, ऑप्शन डी डॉक्टर कनिष्क बिस्वास। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी डॉक्टर कनिष्क विश्वास है। अगला सवाल, जम्मू कश्मीर के किस किला को अभी हाल में ही फिर से पुनर्जीवित किया गया है? ऑप्शन ए नंदा कला, ऑप्शन बी सिकारा, ऑप्शन सी क्रूवेल, ऑप्शन डी पहाड़ी पेंटिंग। अगला सवाल, जम्मू कश्मीर के किस कला को अभी हाल में ही फिर से पुनर्जीवित किया गया है? ऑप्शन ए नंदा कला, ऑप्शन बी सिकारा, ऑप्शन बी क्रूवेल, ऑप्शन डी पहाड़ी पेंटिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नंदा कला। अगला सवाल, इनमें से किस शासक ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी राजा अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी कनिष्क।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल, तृतीय बौद्ध सभा कहाँ बुलाई गई थी? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र के अश्वक्रामा, ऑप्शन डी बोधगया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र के अशोकरामा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रमोद राम, कमलेश शर्मा, मोटू रंगीला, नसीम अख्तर, गोनर शर्मा, रवि कुमार राम, मनीष कुमार, राजकिशोर महतो, सुनील ऋषिदेव, मृत्युंजय कुमार, सुरेश ओरम, आयुष राज, अतीक खान, मुन्नी कुशवाहा, पंकज कुमार दास, बिट्टू सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप खुद को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।